ट्रेडर्स वेलकम टू माय चैनल प्राइज एक्शन मैटर एंड दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे स्टॉक को हम लोग एनालिसिस करेंगे ठीक है डैट इज जैन इरिगेशन सिस्टम एंड आप में से किसी ने हमसे इस स्टॉक के बारे में कमेंट्स में पूछा है तो उसको हम बताएंगे ठीक है फिलहाल उन्होंने इस चीज़ के लिए पूछा है इन्वेस्टिंग पर्पज से एंड मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि मैं इन्वेस्टिंग को लेकर आप लोगों को नहीं कुछ भी बता सकता हूँ ठीक है बट हाँ चार्ट में क्या लग रहा है क्या टेक्निकल्स है वो चीज़ों को हम लोग देखेंगे ठीक है एंड दोस्तों आप अगर इन्वेस्टिंग करते हैं तो आप अपने ही फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही करिए ठीक है, है मेरा जो पर्पज़ है आप लोगों को ट्रेडिंग सिखाना है एंड मुझे अच्छा लगता है ऐसे डेली चार्ट को बताना देखना ठीक है प्राइज एक्शन स्टडी करना तो मतलब कि ऐसा ही मेरा व्यू है एंड दोस्तों यहाँ पे आप में से जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग सीखना है प्राइज एक्शन सीखना है ठीक है तो आप यहाँ पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड अभी देखो जैसे कि एक व्यू हम लोग लेते हैं यहाँ पे ठीक है स्क्रीनर हमारे सामने खुला हुआ है यहाँ पे कंपनी है एंड देखोगे अभी मार्केट कैप काफ़ी कम है ठीक है स्मॉल कैप का स्टॉक है एंड इधर पे देखोगे अभी पीई e. का कोई आगे डेटा नहीं आया है अभी इससे पहले भी पीई e. काफी हाई चल रहा था ठीक है प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो आप देखोगे ठीक है तो वो भी भी थोड़ा सा हाई है एंड इधर पे आप देखोगे जो इसके कॉन्स में कहीं ना कहीं कंपनी की जो सेल्स हैं वो भी उतनी अच्छी नहीं है ठीक है तो उतने अच्छे से ग्रो नहीं है एंड uh, मतलब यहाँ पे कहीं कही ना कहीं थोड़ा सा निगेटिव साइड है बट स्टिल uh, आप यहाँ पे देखोगे इसके कंपैरिजन में जो इसके जो पीयर्स हैं उनको आप देखो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आएगा यहाँ पे आप देखोगे आर ओ सी ई यहाँ पे काफ़ी कम है ठीक है तो ये भी एक कंसर्निंग पॉइंट है एंड इधर पे देखोगे सेल्स जो है कोई ख़ास यहाँ पे उतना ग्रो नहीं है जित मतलब उसी नंबर पे ही चल रहा है तो कोई ख़ास मतलब ग्रोथ नहीं है एंड इधर पे भी आप देख सकते हो कभी अप डाउन इस तरीके से एंड एंड मार्जिनस भी देखोगे ना तो कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे है नहीं मार्जिन्स मतलब इस इस चीज़ का देखिए मुझे उतना आइडिया नहीं क्योंकि मेरा काम है प्राइस एक्शन का बट हाँ फिर भी इतना मुझे मतलब पढ़ा है मैंने तो यहाँ पे आप देखोगे मार्जिनस अभी टेन इलेवन परसेंट के हैं एंड पहले मार्जिन ज़्यादा थे कंपनी के पास में ठीक है तो ये भी एक इशू है एंड आगे चल के अभी यहाँ पर आप देखोगे आ, इधर पर आपको मैं दिखाऊँ तो प्रमोटर होल्डिंग भी काफ़ी कम है ठीक है तो जनरली मतलब प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए तो अभी हमें उस स्टॉक में आगे इन्वेस्टिंग पर्पज़ से हम देख सकते हैं ठीक है तो ये तो मेरा मतलब व्यू है इसको मैं इसमें कोई बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ ठीक है एंड ये मेरा पर्सनल व्यू है एंड दोस्तों अब देखो चार्ट में क्या दिख रहा है ठीक है तो जैसे कि हम लोग मंथली चार्ट से शुरू करेंगे एंड मंथली चार्ट में अभी आप देखोगे तो वो जो चीज़ है ना कंपनी की जो फंडामेंटल्स है वो चार्ट पे भी दिख रहे हैं आप देखोगे यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज से नीचे है ये जो ग्रीन लाइन है एंड देखो देखोगे स्टॉक जब आया था तो टू में तो एक अच्छे यहाँ पे एक हाई लगाया इसने 240 तक के एंड उसके बाद से कहने के कहीं एक डाउनफॉल में है एंड ऑलमोस्ट कितने साल हो गए यहाँ पे 2011 में यहाँ पे था ये उसके बाद से ऑलमोस्ट आप देखोगे 12-13 साल हो गए आज एंड स्टॉक अभी भी अपनी लोअर वैल्यूज़ पे है एंड अभी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को अगर हम लोग यहाँ से मैच करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से भी प्राइज एक्शन है एंड <coughs> एंड देखोगे यहाँ पे एक बार प्राइस ट्राई कर रहा है ऊपर आने की इवन यहाँ पे ऊपर भी गया नीचे आया एंड फिर से ये ट्वेंटी ई का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है ठीक है तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव सिनारी हुआ है इधर पे आप देखोगे वॉल्यूम एक्टिविटीज़ भी थोड़ी हुई हैं एंड अब हम लोग यहाँ से चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम में एंड वीकली पे देखेंगे कि क्या यहाँ पे व्यू रह सकता है तो देखो अभी वीकली पे ये थोड़ा बुलिश हो चुका है ठीक है वीकली टाइम फ्रेम में ये ऊपर आ गया है एंड इधर पे आपको मैं दिखाऊँ तो इधर से देखोगे ये फिर बनाची हम लोगों ने लो टू हाई कनेक्ट किया देखो एक्जैक्टली सिक्सटी वन पॉइंट एट का जो लेवल था यहाँ से टेस्ट किया है मूविंग एवरेज भी यहीं है तो ये एक थोड़ा बुलिस सिनारी है ठीक है तो यहाँ से अगर स्टॉक में अगर रिवर्सल आएगा तो ये कहाँ तक जा सकता है उसको भी हम लोग अभी चेक करेंगे तो यहाँ पे मैंने इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था आई होप आप लोगों ने देखा होगा तो देखो यहाँ से अभी ये इसके जो नेक्स्ट जो हमें टारगेट दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप देखोगे 93.25 ये लेवल है एंड उसके बाद में 120 तक ठीक है तो अभी हम लोग शॉर्ट टर्म में यही प्लान कर सकते हैं एंड ठीक है तो ये लेवल्स को आप लोग मार्क कर लेना रुक जाइए मैं ही मार्क कर देता हूँ तो इस तरीके से आप अपना एक व्यू रख सकते हो कि आने वाले टाइम में आपको ये यह यहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है ठीक है एंड तो दोस्तों अब यहाँ पे हम लोगों को अभी कुछ और भी चीजें देखनी है एक में रुकेगा यहाँ पे एक मैंने और भी लाइन ड्रॉ किया था 92 के अराउंड ठीक है तो ये इस तरीके से इसके एक लेवल्स आ गए ठीक है एंड अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे कि डेली में क्या हमें सिनारियों दिख रहा है तो देखो डेली में भी ये एक पॉजिटिव ट्रेंड में आ चुका है ठीक है तो वीकली और डेली में कहीं ना कहीं अभी पॉजिटिव है एंड मंथली में एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट करके ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अभी ये बुलिश ही लग रहा है आगे आने वाले टाइम में ये एटलीस्ट 92 तक यहाँ पे जा सकता है ठीक है तो अब यहाँ पे देखिए अगर आप एंट्री लेते हो तो ये एक अच्छी प्लेस है एंट्री लेने के लिए एंड यहाँ पे देखोगे आप आ, अगर इधर पे भी एंट्री लेते हो तो आप अपने स्टॉप लॉसेज यहाँ रख सकते हो जो कि आपके छोटे यहाँ पे आप देखोगे टारगेट आप आप आपका काफी बड़ा है ठीक है तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वन इंस टू फोर का हो जाएगा यहाँ से एंड अगर आप केवल यहां तक भी अगर आप अपने टारगेट रखते हो जो प्रीवियस हाई थे तो भी आपका वन इंस टू टू का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड है ठीक है तो उस हिसाब से आप इसको प्लानिंग कर सकते हो एंड आपने एक स्टॉक और भी पूछा था पहले तो उसको भी हम लोग यहाँ पे चार्ट में देख लेते हैं तो देखोगे ये भी चार्ट में काफ़ी अच्छा मुझे लगा एंड देखोगे टू हंड्रेड से यहाँ से काफी अच्छे से बाउंस कर रहा है एंड इधर पे देखोगे ट्वेंटी ई के नीचे था एंड यहाँ फाइनली ट्वेंटी ई को ब्रेक किया एंड यहाँ पे क्रॉस ओवर भी हमें दिख रहा है एंड इस पर्टिकुलर एरिया में आप देखोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं आर भी स्ट्रेंथ गेन कर रहा है ठीक है तो अभी ये जगह अच्छी है एंड इसमें कम एंट्री हम लोग बना सकते हैं जैसे ये 147 के लेवल ब्रेक होंगे आप यहाँ से एक एंट्री बना सकते हो एंड स्टॉप लॉसेस आप इस मूविंग एवरेज के नीचे रख सकते हो एंड जनरली डेली टाइम फ्रेम में है तो हम लोगों को वन आवर में ही इंट्री प्लान करनी चाहिए ठीक है तो यहाँ देखोगे वन आवर से ये कितना अच्छा यहाँ पे एक रैली दिया है एंड यहाँ पे एक टाइम करेक्शन हो रहा है ठीक है जैसे ही इसके ऊपर जाएगा हम यहाँ पे ब्रेकआउट पे यहाँ पे ले सकते हैं एंड स्टॉप इस लॉस इसके नीचे आप रखोगे तो ज़्यादा बेस्ट है एंड अगर थोड़े छोटे स्टॉप लॉस रखना चाहते हो तो आप इस लेवल पे भी रख सकते हो अराउंड 140 के अराउंड भी रख सकते हो ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों आपको अपनी अप्रोच रखनी है एंड अगर एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा एंड तब तक के लिए बाबा सी यू टेक केयर मिलते हैं नए वीडियो में